सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स को, जो कि एक मल्टी फैसेटेड चैनल है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट बाइट्स, जैसे कि स्टडी बाइट्स, हॉरर बाइट्स, हेल्थ बाइट्स, टेक बाइट्स, फनी बाइट्स एंड पॉजिटिव बाइट्स, टीवी एंड फिल्मी बाइट्स मिलेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। आज का हमारा साइकोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जैसे कि पहले के वीडियोस में हमने बात की थी बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में, और बुद्धि के जो अलग अलग सिद्धांत अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिए, आज हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षणों के इतिहास के बारे में। बुद्धि परीक्षण के इतिहासों में कैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया। तो सबसे पहले जानते हैं, जो प्रथम बुद्धि परीक्षण हुआ वह अल्फ्रेड बिने और साइमन द्वारा बनाया गया था। प्रथम बुद्धि परीक्षण बालकों के लिए, जो कि 3 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु बनाया गया था, और यह 1905 में, सबसे पहले 1905 में अल्फ्रेड बिने फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। 1905 में उन्होंने, उनके सहयोगी थे साइमन, उन दोनों ने मिलकर बनाया 1905 में, जो कि विश्व का पहला प्रमापिक टेस्ट था। इसमें बच्चों के लिए कुछ प्रश्न रखे गए थे, जिन प्रश्नों की संख्या 30 थी और 3 से 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए रखा गया था। बुद्धि परीक्षण सिद्धांत बिने द्वारा। इसके बाद में 1908 में बिने साइमन बुद्धि में प्रथम संशोधन किया गया, कुछ उसमें चेंजेस किए गए, और इसी 1908 में सबसे पहले मेंटल एज, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग भी किया गया था 1908 में ही। इसके बाद 1911 में दूसरा संशोधन हुआ, और अब इसमें प्रश्नों की संख्या 30 से हटाकर 54 कर दी गई, और इसमें उम्र जो संशोधित की गई वो थी अब 2 से 16 वर्ष तक के बालकों में। इसके बाद 1916 में एक नए अन्य मनोवैज्ञानिक टर्मन, जिनका मनोविज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, टर्मन द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण संशोधन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था 1916 में, और उन्होंने कुछ संशोधन किए। इसी संशोधन में उन्होंने सबसे पहले बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तथा इस बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का नाम बदलकर स्टैनफोर्ड बिने साइमन बुद्धि या टर्मन बुद्धि परीक्षण या स्टैनफोर्ड स्केल कर दिया गया। इस प्रकार से ये संशोधन किया गया टर्मन के द्वारा। टर्मन ही वही मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने 1916 में, टर्मन ने बुद्धि लब्धि मापन का संशोधित सूत्र दिया, जो हमारे मनोविज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। इन्होंने दिया IQ = MA/CA × 100। IQ जिन्हें इन्होंने बताया बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस कोटिडेंट, मानसिक आयु MA जिसे कहा गया मेंटल एज, बालक की मेंटल एज मानसिक आयु, वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज × 100। इस तरीके से इस सूत्र के द्वारा बुद्धि लब्धि को आसानी से निकाला जा सकता है। मान लीजिए किसी कोई बालक है जिसकी मानसिक आयु 14 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु CA 16 वर्ष है, तो इन दोनों डेटा से आप ये पता लगा सकते हैं कि वह किस प्रकार की बुद्धि का बालक है। तो
14 उसकी मानसिक आयु अपॉन 16, 14 अपॉन 16 इंटू 100। ये जब कैलकुलेशन करते हैं तो इससे अप्रॉक्स डेटा आता है 87.5। ये उस बालक की बुद्धि लब्धि है। टर्मन ने इसके बाद में आगे डिटेल में हम बताएंगे कि किस प्रकार की, जिसके पास जो बुद्धि लब्धि हो वो किस बुद्धि के प्रकार में आता है। तो 87.5 ये बालक आता है पिछड़े बालकों की श्रेणी में, सबसे ज़्यादा जो गिफ्टेड, जो इंटेलिजेंट, वो उनका आईक्यू होता है, उनकी बुद्धि लब्धि होती है 140-140 से अधिक। तो ये 87.5 पिछड़ा बालक। तो इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा, जो कि टर्मन द्वारा दिया गया था, आसानी से बुद्धि लब्धि प्राप्त की जा सकती है। मानसिक आयु संप्रत्यय, मानसिक आयु संप्रत्यय या मेंटल एज कॉन्सेप्ट का सर्वप्रथम प्रयोग अल्फ्रेड बिने ने 1908 में किया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मानसिक आयु संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने। और कब किया? 1908 में, 1908। इसी प्रकार बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का प्रयोग, इंटेलिजेंस कोटिटेंट का प्रयोग सूत्र में सर्वप्रथम किसने किया गया था? तो सर्वप्रथम सूत्र में इसका प्रयोग टर्मन ने किया था। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, टर्मन ने किया और 1916 में किया था। इसी प्रकार बुद्धि लब्धि संप्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय 1912 में सर्वप्रथम स्टर्न ने दिया था, जो कि जर्मनी में दिया गया। तो ये तीन क्वेश्चंस है जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मानसिक आयु संप्रत्यय 1908 में अल्फ्रेड बिने ने, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का सब प्रयोग सूत्र में सर्वप्रथम टर्मन ने 1916 में, और बुद्धि लब्धि संप्रत्यय 1912 में सर्वप्रथम स्टर्न ने जर्मनी में दिया था। तो इस प्रकार से ये कुछ है। अब एक मनोवैज्ञानिक टर्मन, जिनके अनुसार बुद्धि लब्धि, उन्होंने बुद्धि का वर्गीकरण किया है। बुद्धि लब्धि जिस जिस मनुष्य में जिस प्रकार की बुद्धि लब्धि होती है, उस वो किस तरीके की बुद्धि के प्रकारों में शामिल होता है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया 0 से 20 जिसकी बुद्धि लब्धि हो, या फिर कहें 25 से कम, 25 से कम बुद्धि लब्धि वालों को उन्होंने कहा महामूर्ख और जड़ की बुद्धि के प्रकार में। 20 से 25 या 49 से कम, 49 तक, 50 से कम 49 तक, इसको कहा मूड बुद्धि। बुद्धि का प्रकार बताया मूड बुद्धि, जिसमें बुद्धि लब्धि 20 से 25 या 49 तक हो। 50 से 69, 50 से 69 तक जिसकी बुद्धि लब्धि है, वो अल्प बुद्धि में शामिल होता है वह बालक। जिसकी बुद्धि लब्धि 70 से 79, 70-79 तक होती है, वह क्षीण या निर्बल। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ऐसे ही बुद्धि लब्धि लिख दी जाती है और फिर पूछा जाता है, यह बुद्धि लब्धि वाला बालक या बालिका किस प्रकार की बुद्धि में शामिल किया जाएगा। अगला 80-89, 80 से 89 तक की जिसकी बुद्धि लब्धि है, वह पिछड़े बालक में या मंद बुद्धि में। अभी हमने निकाली थी एक की मानसिक आयु, जिसमें 87.5 आई थी, वो पिछड़े बालकों में की बुद्धि के प्रकार में शामिल था। जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 109 तक होती है, वह सामान्य औसत एवरेज बुद्धि में आता है। जिसकी बुद्धि लब्धि 110 से 119 तक, 110 से 119 तक, वह आता है श्रेष्ठ, तीव्र, सुपीरियर वाली बुद्धि में के प्रकारों में। 120 से 139 तक, 120 से 139 तक की बुद्धि लब्धि वाले बालक या बालिकाएं या मनुष्य, वो आते हैं वेरी सुपीरियर की कैटेगरी में, प्रखर बुद्धि। और 140 से अधिक जिसकी भी बुद्धि लब्धि होती है, वो आते हैं प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणियों में, इसे बोला जाता है गिफ्टेड और जीनियस बच्चे। तो ये एक सारणी है जो टर्मन द्वारा दी गई, और कई बार परीक्षाओं में टर्मन द्वारा दी गई बुद्धि के प्रकार, बुद्धि लब्धि के बारे में पूछा जाता है कि इस बुद्धि लब्धि, जिस बालक की ये बुद्धि है, वह किस प्रकार की बुद्धि के प्रकार में उसे शामिल किया जाएगा। मंद बुद्धि बालक जो होते हैं, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 8 वर्ष के बालक के बराबर होती है, जो कि टर्मन ने बताया कि जो 8 साल का बच्चा होता है उसके बराबर मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। और अल्प बुद्धि
जिस मनुष्य में होती है, अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 3 साल के बालक के बराबर होती है। तो ये टर्मन के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो भी बुद्धि लब्धि से रिलेटेड जो सूत्र दिए, किस साल में दिए, किस वर्ष प्रयोग किए, किन किन संप्रत्यय का सबसे पहले किसने प्रयोग किया, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के और आप मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान विषय के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पे बने रहिए, और आपको जिस भी टॉपिक में डिफ़िकल्टी हो वो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।